हेलो दोस्तों, मैं योगेंद्र शर्मा आपके अपने चैनल फेयर इंग्लिश क्लासेस में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पढ़ाऊंगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते क्या हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं? देखिए, इनमें अक्सर क्या होता है कि इनमें मन के भाव निकलते हैं। क्या निकलता है? मन के भाव। हिंदी में क्या कहते हैं हम इनको? विस्मय सूचक वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विस्मय सूचक, विस्मय सूचक वाक्य कहा जाता है इनको हिंदी में। और इनमें क्या होता है? इनमें देखिए, हर्ष, शोक या आश्चर्य के भाव प्रकट होते हैं ऐसे वाक्यों में। हर्ष, शोक या आश्चर्य के भाव इन वाक्यों में प्रकट होते हैं। अब इनके रूल्स, क्या रूल्स हैं बनाने के? इन वाक्यों में देखिए, जहां आश्चर्य होता है तो वहां कितना कितनी का यूज होता है, और उस कितना कितनी के लिए हम व्हाट ए या हाउ का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? व्हाट ए या हाउ का, ठीक है। और इन वाक्यों में जैसे कि हमने लिखा है यहां पर, हर्ष मीन्स प्रसन्नता, शोक दुख, आश्चर्य, हाँ, तो जब हर्ष होता है, प्रसन्नता होती है, तो उससे हुर्रा का यूज होता है उसमें, हुर्रा, खुशी। एलास, दुख प्रकट होता है तो वहां एलास का यूज करते हैं। और जहां किसी को हमें शाबाशी देनी हो वहां किसका यूज करते हैं? ब्रेवो का यूज करते हैं। अब मैं इनके आपको एग्जांपल्स बताऊंगा। तो पहला एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है कि दिन कितना गर्म है। अब देखिए, इसमें मैंने लगाया हाउ हॉट इज द डे। इसका स्ट्रक्चर पहले हाउ, कितना कितनी के लिए क्या हुआ? हाउ या व्हाट लगाते हैं, उसके तुरंत बाद एडजेक्टिव लगाते हैं, फिर वर्ब लगाते हैं, सब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, या सब्जेक्ट पहले आ सकता है, वर्ब बाद में आ सकती है, इनको कहीं भी लगा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो कितना के लिए हमने क्या लगाया? हाउ, और उसके तुरंत बाद कैसा है? गर्म, तो एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गई इज द डे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि हमने यहाँ पर वाटे का यूज क्यों नहीं किया। तो वाटे के लिए एक अलग से मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि वह कितनी सुंदर लड़की है, हा? तो इसमें कितनी के लिए हमें क्या लगाना होगा? कितनी के लिए हमें लगाएंगे हम व्हाट ए, क्या? व्हाट ए, और फिर व्हाट ए के तुरंत बाद, देखिए पहले मैं स्ट्रक्चर बता दूं आपको कि व्हाट ए लिखते हैं इसमें, उसके बाद में वही उसी तरह का एडजेक्टिव आता है, हाँ, और उसके बाद में फिर इसमें नाउन आता है, और वो नाउन किसके रूप में आता है? ऑब्जेक्ट के रूप में, उसके बाद में वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड्स, और बाद में साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन होता है, सब्जेक्ट या वर्ब इसमें भी इधर उधर हो सकता है। तो कितनी के लिए हमने क्या लगाया? व्हाट ए, ठीक है, उसके बाद में फिर एडजेक्टिव क्या? ब्यूटीफुल, गर्ल, हाँ, कितनी सुंदर लड़की, और इज सी, बाद में साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन हो गया, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल सी इज। तो इसमें दोनों में अंतर क्या है कि हाउ के साथ केवल एडजेक्टिव होता है सब्जेक्ट के साथ, लेकिन व्हाट ए के साथ नाउन और सब्जेक्ट ये दोनों होते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन होता है और ये सब्जेक्ट होता है। तो व्हाट ए और हाउ में केवल ये अंतर होता है, छोटी सी बात है, समझने की बात है, बहुत मामूली सा अंतर है। अच्छा, इसके बाद में जैसे ये शब्द है हुर्रा या एलास या ब्रेवो, तो इसमें क्या होता है, जैसा आपका सेंटेंस होगा उसी हिसाब से हम ट्रांसलेट करेंगे। जैसे आह, हाँ, मेरा मित्र अब नहीं रहा, हाँ, तो इसमें क्या है? आह, दुख है। दुख का मतलब फिर क्या होगा? क्या लगाएंगे हम? एलास लगाएंगे, लिख देंगे एलास, हाँ, माई फ्रेंड इज नो मोर नाउ, एलास माई फ्रेंड इज नो मोर नाउ। हम इसका भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि शाबाश, तुमने बहुत अच्छा किया, तो शाबाश की को क्या लगाएंगे? ब्रेवो,
यू डिड वेल, शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में ये सब बातें हैं। अब मैं आपको ऑपरेटिव सेंटेंस बताने जा रहा हूँ। तो क्या होते हैं ऑपरेटिव, इनको देखते हैं। ऑपरेटिव को हम हिंदी में इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। इच्छा सूचक का मतलब मन में से जो भाव प्रकट होते हैं, और इन वाक्यों में हम या तो किसी को आशीर्वाद देते हैं, श्राप दिया जाता है, या हृदय की जो इच्छाएँ होती हैं वो प्रकट होती हैं, उन्हीं को तो इच्छा सूचक कहते हैं। अब एग्जाम्पल, जैसे अब कोई आप जैसे स्कूल से आ रहे हैं, हाँ, रास्ते में मिलता है आपको, उसको ग्रीट करते हैं, विश करते हैं, तो वो क्या क्या करता है, जैसे मान लो आपने किया नमस्ते, तो वो क्या कहेगा, खुश रहो। तो ये क्या है, ये ऑपरेटिव सेंटेंस, उसने आपको आशीर्वाद दिया। हाँ, और देखिए, ये मैंने आपको इम्पेरेटिव में बताया था कि ये जो सब सेंटेंसेस हैं, जैसे इम्पेरेटिव है या ऑपरेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है, ये सब दैनिक जीवन में बहुत प्रयोग होते हैं। ऑपरेटिव भी है, डेली प्रयोग होता है। आप अपने दादाजी से नमस्ते करते हैं, वो तुरंत आपको आशीर्वाद देते हैं। हाँ, तो उनका यूज होता है। और जब ये आशीर्वाद या साप वाले जो वाक्य होते हैं, उनमें मे का यूज होता है, वो मे से ही शुरू होते हैं। हाँ, जैसे कि एग्जाम्पल यदि हम दें तो क्या होगा, जैसे आप दीर्घायु हों, आप दीर्घायु हों, तो ऐसे सेंटेंस को किससे शुरू करते हैं, हमेशा हम मे से शुरू करते हैं। मे यू लिव लॉन्ग। श्राप वाले वाक्य ऐसे होते हैं, जैसे कि बोल देते हैं ना, अच्छा इसमें यदि हम ये लिख दें कि भगवान करे आप दीर्घायु हो, तो मे के बाद में तुरंत गॉड का प्रयोग होता है। जैसे कि मैं आप, चलो श्राप वाले वाक्य में दिखाता हूँ इसका यूज करके, जैसे कि ईश्वर करे तुम नरक में जाओ, ये श्राप हो गया। हाँ, ये क्या हो गया, ये श्राप हो गया। तो भाई किसी को कोई दुखी कर रहा है, तो और एक साथ दुखी होकर के वो कह दे कि जा नरक में जा, तो क्या होगा, मे से शुरू करेंगे, मे और तुरंत बाद गॉड, मे गॉड यू गो टू हेल, मे गॉड यू गो टू हेल। अच्छा, एक चीज़ और होती है इसमें, जब हृदय की भावनाएं प्रकट होती हैं, कि जैसे काश मैं राजा होता, काश मैं प्रधानमंत्री होता, तो उस काश है, या एक वर्ड है, क्या ही अच्छा होता, क्या ही अच्छा होता कि मैं भारत देश का प्रधानमंत्री होता। तो ऐसे वाक्यों के लिए हम क्या होता है कि सबसे पहले वुड दैट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, वुड दैट का, उसके बाद में सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर लगाते हैं। जैसे कि चलो मैं बता देता हूँ इसका एग्जाम्पल दे करके, कि क्या ही अच्छा होता कि मैं राजा होता, या ये ना लिख करके कोई कह दे कि काश मैं राजा होता, तो इसका सीधा साधा, बहुत सीधी ट्रांसलेशन है कि सबसे पहले क्या लगाते हैं, वुड दैट, उसके बाद में सब्जेक्ट आई, और उसके तुरंत बाद वर। अब आप सोच रहे होंगे वर क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये ट्रांसलेशन का नियम है, इसमें चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, कुछ भी हो, सबके साथ वर का यूज होता है। वुड दैट आई वर ए किंग, ठीक है। तो ऑपरेटिव सेंटेंस बहुत ही आसान है, बहुत छोटे हैं, बड़े मज़े से समझ में आते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको ये मेरा जो शॉर्टेस्ट वे है वो समझ में आया होगा। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।